हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मैं सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत पहले ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली थी, पर क्या करें, न्यू बॉर्न बेबी के साथ ब्लॉग एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस टाइम वो छोटी थी तो ब्लॉग एडिट नहीं हो रहा था, वाला ये पेंडिंग में था। और अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो अब मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये है हम जब हॉस्पिटल से घर आए तो हमारे घर में क्या क्या रिचुअल्स हुए, क्या क्या होता है अब जब न्यू घर में न्यू बेबी आती है। और कोई बर्थ ब्लॉग या कोई डिलीवरी ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि उस टाइम उस सिचुएशन में थे नहीं कि कोई भी ब्लॉग बना सके। तो ये जो ब्लॉग है ये घर आने के बाद का है, घर आने के बाद हमारे घर में क्या क्या हुआ और सबके बाद जितना हो सके हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई बाजपदा। और यहाँ पर देखिए मेरी बच्ची उठ गई, जब सोई थी तो हमें थोड़ा सा ब्लॉग एडिट कर रहे थे, ये थोड़ा उठ गई, उसको थोड़ा सुला रहे हम। तो इस वीडियो के बारे में ज़्यादा कुछ क्या ही बोले, जो भी है आप सब देखिए क्या क्या हुआ था हमारे घर में, कैसे हुआ था, जो भी हो सब कुछ अच्छे से हो गया। देखिए यहाँ से शुरू होता है बेबी के डिलीवरी के बाद का वीडियो। और यहाँ पर देखिए बेबी का बेबी आके ये हुआ 5 दिन, और 5 दिन में हम लोगों का ये जो रिचुअल हो रहा है इसको पंचायती बोलते हैं। इसमें 5 तरह का भूंजा हुआ, जैसे चावल, मटर, चना, सब भूंजा हुआ 5 तरह का होता है, जिसे खा खा के उसका नाम बोला जाता है उसके कान के सामने। और हाथ में देख रही है धान, पका हुआ धान का जो शीश होता है उसको ऐसे हाथ में लेके उसके बाद खा के ऐसे उसके कान के सामने बोला जाता है। और ये जो नियम है वो उसके दादाजी कर रहे हैं, ये एक्चुअली में मामा करते हैं पर मामा आ नहीं पाया तो यहाँ दादू कर रहे हैं उसके। तो यहाँ मेरी बेटी को लेके बैठी है मेरी मम्मी, आई थी देखिए कैसे कैसे हम लोग का यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, मैं ससुराल में ही हूँ, फर्स्ट टाइम देखे कि ऐसा भी कुछ होता है। हम वहाँ पर खड़े थे जो नाम बोला जा रहा है वो तो उसके दादू ऐसे ही उसको एक नाम दे दिए थे, उसका नाम अभी तक दिया नहीं गया है। अब इसके बाद ये है उसकी छठी घर पूजा, इसको छठी घर पूजा बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर घर बनाया जा रहा है और जिसका पूजा होगा। ये हमारा 6 दिन में होता है, बेबी के नाम से पूजा होता है। तो देखिए कैसे कैसे हमारे घर में हमारे ससुराल साइड किस किस तरह से बेबी जब न्यू बेबी आती है तो किस किस तरह से क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। ये देखिए ये भी एक चाची है जो हमारे गांव से ही है ससुराल साइड, वो एक पूजा करती है। ये मिट्टी से बना है, सब यहाँ पर खड़े होके देख रहे हैं, इसको बोलते सटी घर पूजा।
देखिए यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है हमारे यहाँ। ये हम फर्स्ट टाइम सब कुछ देख रहे हैं, हमारे घर तो होता नहीं है इतना कुछ, यहाँ पर ये सब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हम लोग तो इस टाइम छूट में थे, तो हम लोग अलग कमरे में थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरी जो सास है वो अलग थी, मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे हस्बैंड वो अलग थे क्योंकि उनको खाना बनाना था, तो वो हमारे साथ नहीं थी। हम लोग छूट में थे, उन लोग भी छूट में थी, पर उन लोग 9 दिन के बाद नहा धो के उन लोग छूट उन लोग का ख़त्म हो जाता है, हम लोग 21 दिन तक थे। तो यहाँ पर देखिए दादी चाची सब आई है यहाँ पर पूजा देखने के लिए। हम उस वाले कमरे में थे, ये बच्चे के नाम से पूजा हो रहा है। चलिए देखिए कैसे कैसे पूजा होता है हमारे यहाँ। जबकि ये पूजा बेबी के नाम से हो रहा है, तो अब लेके आने बोले थे बेबी को, इसके ऊपर थोड़े चावल थोड़े फूल। दिखाए जाएंगे इसको भी, आरती की जाएगी। ये देखिए हम अलग थे, तो बिना कपड़ा के जमीन में लेटाए थे ठंडा हमें, कितनी छोटी बच्ची है। हो गया उसका पूजा, हमको तो घबराहट हो रही थी, इतनी छोटी बच्ची है मेरी बच्ची तो बिना कपड़ा के। तो अब देखिए ये है 21 दिन का एक दिन पहले का वीडियो, जहाँ पर उसके मामा और उसकी नानी आ गई थी उसके लिए ढेर सारा गिफ्ट लेके। तो यहाँ पर उसके मामा और उसकी नानी आए थे उसके लिए झूला लेकर के, और ये देखिए आते साथ दोनों लग गए झूला को सेट करने, क्योंकि उनकी लाडली भांजी लाडली नतनी झूलेगी, इतना दूर से उसको बैग उठा के लाए थे। मेरी मम्मी ढोड़ो के उस पर पैर दर्द दे दिया, आते साथ देख रहे हैं क्या इतना कुछ लेके आई, उसके लिए डेटॉल सब कुछ लेके आई। देखिए दोनों बैठ गए हैं, झूला को अभी फिट कर रहे हैं, जल्दी से फिट करने के बाद वो अपनी भांजी को उसका मामा सुला के झुलाएगा।
अब मेरी बेटी इस टाइम तक वो 20 डेज की हो गई, 20 दिन की। कल उसका 21 दिन है, उसका पूजा होगा 21 दिन वाला, उसको हम लोग एक्सिया पूजा बोलते हैं, उसी के लिए मम्मी आई है। बेड पे सोई थी मेरी बेटी और यहाँ पर देखिए दोनों मिलके नानी और मामू उसके झूला रेडी करती है। ये देखिए ये भी लाए हैं, अभी देखने का हो ही नहीं है, बस 20 दिन की तो हुई है। देखिए रेडी, उसका झूला रेडी, उसको फिटिंग करके रेडी कर दिया। अब उसको उसका मामा सुला भी दिया। ये देखिए मेरी बेटी का न्यू झूला, वो न्यू झूला में झूल रही है। अब है उसका दूसरा दिन एक्सिया पूजा, जहाँ हम लोग अपना सब कुछ कपड़ा वपड़ा धो धा के सब कुछ फ्रेश होके हम लोग दूसरे घर से हम लोग अपना घर शिफ्ट हो गए थे, कल ही हो गए थे। और आज होगा पूजा मेरी बेटी के नाम से, आज 21 दिन है, हम लोग इसको 21या पूजा बोलते हैं। ये पूजा बेबी के आने के 21 दिन में होता है। तो देखिए उसका मामू उसको कैसे घुमा रहा है, बुला बुला रहा है, दूरी तो बुला, मामू के गोद में खेल रही है। अब उसको उसकी नानी पूजा के लिए रेडी कर रही है, नहला धुला के। देखिए कैसे नहला रही है उसको, देखिए देखिए रो रही थी बहुत। नहलाने का मतलब नहलाती नहीं है, हल्दी पानी से उसको पोंछ रही है, ठंडा का मौसम है तो कैसे नहलाएगी, सर्दी पकड़ जाएगा छोटा बच्चा को ठंडा पकड़ने से, फिर बहुत मुश्किल। ये देखिए उसको एक्सरसाइज हो रहा है और रोए जा रही उसके नानी उसको एक्सरसाइज करवा रही है, तो फटाफट रेडी कर रही है। अब उसका कपड़ा पहनाने का टाइम, उसके पापा भी आए थे और वो खा रहे थे, और देखिए पापा ही पीलिया बना रहे थे, मम्मी और हम मिलकर उसको रेडी कर रहे हैं। हम तो नहाए नहीं थे, पहले अपनी बेटी को नहला दिया, जब तक वो नहीं नहा के रेडी हुए तब तक हम भी नहीं नहा सकते, क्योंकि बहुत रोती है, उसको बीच बीच में खिलाना ही पड़ता है। छोटी सी मेरी बेटी, यहाँ पर उसकी नानी उसके लिए चांदी का चूड़ी और चांदी का कमरबंद लाई थी। यहाँ पर देखिए बीच में मेरी बेटी कहाँ कहाँ कर रही है,
उसको ही पहना आएगी अभी। ये देखिए कमर में पहना दी, उसका ढीला हो रहा था कमर में, निकल जा रहा था कमर से। और अब चूड़ी पहनेगी, छोटा छोटा चूड़ी लाई थी उसके लिए, उसके मामा घर की तरफ से उसका पहला गिफ्ट। मेरी बेटी रोए जा रही तो रोए जा रही, लगातार रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। ये देखिए कैसे रो रही है, उसको मेरी मम्मी चुप करवा रही है। देखिए इतना रोई, इतना रोई, नहाने के बाद उसको आराम लगा और वो सो गई। और आज का पूरा दिन वो ऐसे सोई कि उठी ही नहीं, सीधा उठी तो शाम को उठी। यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और आज होने वाला है मेरी बेटी के नाम से पूजा, सत्यनारायण की पूजा। और इस पूजा में मेरी सासू माँ बैठेगी और यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है तो पंडित जी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रसोई घर में मेरी मामी यहाँ पर पूरी छान रही है। आपका नाश्ते में था पूरी, मेथी का पूरी और मटर का सब्जी। मेरी बेटी तो सो गई, यहाँ पर पूजा हो गया है शुरू। दीपं प्रातयति भू दीपं कर्म साकी विघ्न गुतो जावतं कर्म समाप्तं शुद्धि भव नमो नमो नमः पुण्य पुण्याय च नमः उद्गर मन च विघ्न तनम आखिले वज प्रकृति देव तन विस्कुल पाभ्यां नमः आनिर्भ्यां नमः होते भ्यां नमो नमः बन्धदरा। अब आगे मेरी बेटी को पंडित जी बुलाए। ये देखिए वो अभी भी नहीं उठी, सोई हुई है। मैं तो लेटा भी और तभी भी सोई हुई है। बस उसको पंडित जी आशीर्वाद कर रहे हैं। उसकी नानी उठेगी। अब आपको बता दे कि इसका नाम क्या नाम से पूजा हुआ। इसका नाम है, इसका नाम दिया है समृद्धि। और उसके जो घर में बुलाएंगे वो नाम है श्रिया। ये दो नाम है मेरी बेटी का। और बाकी सब तो घर वाले अपना ही अपने नाम से बुलाते हैं, कुछ भी नाम, छोटी है तो कुछ भी नाम होता है उसका। तो ये दो नाम उसको दिया गया है और समृद्धि नाम से उसका पूजा हुआ आज का। ये देखिए उसको दादू उसको इतना उठा रहे फिर भी वो नहीं उठती है। बहुत कैसे सोई थी, एकदम ही नहीं उठी। तो हमारा तो यहाँ ऐसे ही सब कुछ होता है न्यूबॉर्न बेबी के आने के बाद। आप लोग के घर में कैसे होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ते हैं नहा धो के दर्शन करने, प्रणाम करके यहाँ पर पढ़ा जा रहा सत्यनारायण का कथा। और कथा सुनने के बाद इसके जो मामा और उसकी नानी आई थी वो सब चले जाएगी।
खाना वाना खाने के बाद अब पूजा खत्म होने के बाद उसके जो नानी उसके मामू आए थे वो चल जाएंगे घर। और आए थे शनिवार से, संडे रहे, मंडे को हुआ पूजा। अभी पूजा खाना वाना खाने के बाद अब ये निकल गए हैं घर जाने के लिए। यहाँ पर देखिए मेरी दादी सास, मेरी चाची सास, मेरी मम्मी और मेरी सास सब कोई है बाहर में खड़े हुए। ये उसके मामू गाड़ी लेके रेडी, और जो मेरे पति देव है वो वीडियो कर रहे थे। और इसी के साथ आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्यारा सा कमेंट कर जरूर करिएगा। मामू 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 नानी चले गए, फिर भी मेरी बेटी नहीं उठी थी, वो सोई हुई थी। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।